नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है भारतीय संविधान से रिलेटेड 20 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन में से आपको जितने का भी आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपने कितने राइट आंसर दिए हैं। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन करता है और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो आप इसे याद रखेंगे, अगर पूछ लिया जाए कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 280 में है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1551 में वित्त आयोग का गठन किया गया और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे, कब पूछ लिया जाए अगर कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 65 वर्ष। और देखिए, यदि अगर हम बात करें कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष होती है तो उसका आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। तो आप इसे भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर फोर है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस पर वारित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की संचित निधि पर। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं यह भारत की संचित निधि पर वारित होते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 हो सकती है, जिसमें कि 33 जो रहेंगे यह अन्य न्यायाधीश कहलाएंगे और जो प्लस एक रहेंगे वो मुख्य न्यायाधीश कहलाएगा। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, यह अरविंद बोबड़े हैं। तो आप इन्हें भी याद रखें और इन्होंने अपना कार्यारंभ 18 नवंबर 2019 से शुरू किया है, तो आप इसे भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर सेवन है, अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में परामर्श कौन मांग सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में परामर्श राष्ट्रपति मांग सकता है, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट है, भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है। तो भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जब पद खाली हो तो कार्य कौन करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों के पद खाली हो तो कार्य करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर टेन है, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि भारत के वह मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला। तो एम हिदायतुल्ला वह न्यायाधीश थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप इनको याद रखेंगे, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। संसद के पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक कौन रहा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि पर रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे पीवी गजेंद्र गढ़कर, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और यही बात कर दें अगर हम कि सबसे कम अवधि तक कौन रहे तो कमल नारायण से हैं, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश
कहाँ पर वकालत कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के उच्चतम न्यायालय को। देखिए जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद के मामले होते हैं इसको भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या है यह कितनी थी? 7 थी, तो आप इसे भी याद रखेंगे कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया तो उसकी डेट होगी 26 जनवरी 1950। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, अगर बात आए अंगीकृत की तो उसकी डेट होगी 26 नवंबर 1949, और अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया तो उसकी डेट होगी 26 जनवरी 1950। तो इन दोनों को आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान को किसने लिखा? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है, लेकिन भारतीय संविधान का निर्माता या पिता भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, तो साथ में आप ये भी याद रखें। लेकिन जब भी अगर बात आए कि लिखने की कि भारतीय संविधान को लिखा किसने है, तो यह प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा है, इसे आप याद रखें, क्योंकि जो हमारा भारतीय मूल संविधान है यह हस्तलिखित है, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। जो संविधान के पृष्ठ हैं उनको सजाने का कार्य नंदलाल बोस ने किया था, तो इन्हें आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए चैलेंजिंग हुआ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है आज का कि भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो भी इसका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारा लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप ये कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।